राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो आज का मौसम है अच्छा खासा, धूप आ चुकी है और ठंडियों में धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे धूप सही आ रही है और क्या पता कब आए ना आए, क्योंकि अब तो नवंबर चल रहा है। इस वजह से और कल का काम जहाँ पर पेंडिंग में था वहीं का वहीं है। तो अभी मिस्त्री अंकल आ चुके हैं और जो पीवीसी मैट थी मैंने आपको वो कल नहीं दिखाई थी, तो वो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। और अभी लग चुके हैं अंकल पीवीसी मैट को काटने में, तो अब हम भी चलते हैं फटाफट नीचे। मैं अभी छत में आई हुई थी किसी काम से, इस वजह से मैंने व्लॉग छत से स्टार्ट करा। तो मैं आपको आज का मौसम और नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो ऐसे ही बने रहेगा तब तक व्लॉग में। तो गाइस, मैंने आपको मौसम भी दिखा दिया और अब बारी है जानवरों को खोलने की। तो फटाफट से खोलते जानवरों, क्योंकि जब ये जाएंगे तभी हमारा सारा काम होगा। तो फटाफट से भगाते हैं जंगल जानवरों को। तो गाइस, हमने अपने सारे जानवरों को भगा दिया है जंगल को और हम भी चलते हैं अपना काम करने। तो गाइस, अंकल लगाने में लगे हुए हैं पीवीसी मैट और हम बैठे हैं यहाँ पे। पहले अंकल ने इसमें अप्लाई करा गम, गाइज अंदर तो काम चालू है। हम पिलाते हैं हमारे घर के नन्नू मुन्नू को पानी। देखो यहाँ पे हैं सब के सब, अब तक यहाँ सिर्फ दो ही हैं। तो फटाफट से इनके लिए निकालते हैं हम पानी और पिलाते हैं इनको। और हमारी यार सारी बाल्टियाँ चूने में पुती गई हैं, बाल्टियाँ ही नहीं बची हैं हमारे पास बिल्कुल भी। मैंने अब रख दिया यहाँ पर पानी और देखो इनके नखरे बिल्कुल नहीं रह रहे। मेरी मम्मी के हाथ में देखो, मम्मी और मेरे हाथ देखो आप कैसे हो रही है। सबसे ज्यादा दर्द इसमें हो रहा है अभी हमारे हाथों के हाल ची। और अब मम्मी चली गोट साफ करने। घर तो चमक गया लेकिन गेरू तो लगाया ही नहीं है अभी। और कबाड़ देखो आप छी छी मम्मी ने बनाई है टमाटर की चटनी, वो भी सिलबट्टे हैं पीस के। और यार सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का ना स्वाद ही अलग होता है। मतलब एक जो मिक्सी में पीसी होती है उसका मतलब कोई अच्छा टेस्ट आता ही नहीं, और ये वाली चटनी जो सिलबट्टे में पीसते हैं वो इतनी टेस्टी होती है ना। देखो इसकी जीभ लबलब आई। तो गाइस, अब मैट का काम भी हो चुका है और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं, उससे थोड़ा अजीब सा ही हुआ है जो मैंने सोचा था। लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं कभी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो आज हमारे घर में भी, जैसे मैं कल से भाभी लोगों के घर में थी तो भाभी लोगों को मस्त मस्त गेंदे के फूल दिखा रही थी, आज हमारे घर में भी गेंदे के फूल खिल गए हैं। लेकिन वैसे नहीं है, मतलब एक पेड़ है बड़ा सा और सब छोटे छोटे से हैं। तो मैं आप लोगों को हमारे घर के फूल भी दिखाती हूँ। तो ये हुआ है येल्लो कलर का और ये देखो ये छोटे छोटे गेंदे वाले, ये मस्त लग रहा है येल्लो। ये थोड़ा फुला फुला सा है और ऑरेंज नहीं है शायद इसमें। और सबके घर में फूल लगते हैं आंगनों में, हमारा आंगन ऐसा हो रखा है बिल्कुल गंदा सा। और गोबर गैस के ऊपर लगे हमारे घर में फूल और हमारी हल्की हल्की बरसीम भी उग चुकी है और अभी हमने गेहूं नहीं बोए हैं। और अब मम्मी लग चुकी है साफ सफाई में। यहाँ पे बराता श्री हमें वो दे रहे हैं सुझाव। क्या सुझाव आपका? हमारा सुझाव यह है, पहाड़ी में बोलो प्लीज। पहली से जाओ तो हम टीवी बताया टीवी में ब्यारा का प्रोग्राम था कि आज मैच आएंगे। मैंने मैच है कि आप जहले हो वो बात बेड लेनो बेड में पढ़ने ले भी हो बाबा मैं बल्ला बा बेमर एक बार शीत होनी आज को पूछ रहा बड़ू
पापा और हमारे पापा देखो रात में अपना मैच देखने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी कितने साल पुरानी टीवी है पापा, फिर भी कितने साल हो गए होंगे? पता नहीं, 10-12 हो गए होंगे। चलो अब इनको लेके चलते हैं अंदर। तो गाइस अब बनाते हैं चाय, क्योंकि मम्मी और अंकल सबको पिलानी है। तो मेरी चाय बन रही है, आज मैंने चाय में कुछ ज़्यादा ही दूध डाल दिया यार, दूध वैसे ही कम पड़ रहा है और मैं खड़िया दे रही हूँ तो हो जाएगा काम खत्म। तो फटाफट से बनाते हैं चाय और मम्मी लोगों को देते हैं। गाइस अब चाय पानी भी हो चुकी है और आज का व्लॉग ना मतलब ऐसा ही रहा, मैं कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं दिन भर वो घसीटने में लगी हुई थी उसको मतलब सेट करने में, तो इस वजह से व्लॉग बहुत छोटा आया, मतलब बोरिंग बन गया। पर कोई बात नहीं, अगले दिन से थोड़े अच्छे अच्छे व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। हम लेके जा रहे हैं सारा सामान अंदर, सारा नहीं अभी भी बेड बाहर ही है। और ये देखो मेरा गुड्डा, ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था मेरे भ्राता श्री ने, कितना प्यारा है ना। तेरे को कैसा लगा रे, तेरे को कैसा लगा? और इसको मैंने अभी तक पन्नी से नहीं निकाला वरना ये गंदा हो जाएगा ना इसलिए। और अब दिवाली की सफाई यार, अभी भी पूरी नहीं, और ना आज गेरू लगाने वाली थी वो गेरू भी नहीं लग पाया मेरे गंदे, अब मैं कल गेरू लगाऊंगी फिर उससे अगले दिन मार्केट जाऊंगी। अभी दिवाली की शॉपिंग बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हमारा काम चल रहा है जो बाहर रखा हुआ कचड़ा वचड़ा जो भी है सब अंदर ला के रखने, उसके बाद खाने का। तो हमने आज सुबह से सिर्फ 2 रोटी खाई है, नाश्ता करा है, बस दिन का खाना तो किसी को पता नहीं है, रात का भी पता नहीं बनता है नहीं बनता है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। मम्मी और हम तो आज सफाई करने में रह गए। क्यों मम्मी? देखो मम्मी ने चमका दिया, फल रखने वाला है, सब्जी रखने वाला जैसे रख सकते हैं इसमें क्यों। और अपनाते हम खाना पीना, यार बहुत लेट हो गया आज तो खाना पीना बनाने में। मैंने आलू काट के रखे और आलू और बड़ी की सब्जी बनाते हैं फटाफट से, कितने मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी, मैंने 2-2 चिप्स ही ठूस लिए अभी तक। तो फटाफट से बनाते हैं खाना पीना। और अब बन चुकी है मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी और तवा पे चढ़ा दिया, लेकिन रोटी आज गोल नहीं बन रही क्योंकि इसमें थोड़ा सा सुबह का आटा मिक्स है इस वजह से। तो अब खाना पीना बनाते हैं फटाफट, रोटी बनाते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी की प्रैक्टिस करूंगी क्योंकि अब शादी आने वाली ना, तो इस वजह से कोई कोई डिजाइन ऐसे नए नए आए होते हैं तो थोड़ा सीखने की जरूरत पड़ती है। बस सीखना तो क्या, ट्राई मारना पड़ता है, बाई चांस सीधे हम हाथ में डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो क्या पता किस दिन बिगड़ गया, किसके हाथों में हो जाए कांड। तो इस वजह से हम पहले डिजाइन लगाना सीखेंगे, तो देखते टाइम मिलता है तो करूंगी, वरना टाइम नहीं मिलता तो अभी साफ सफाई भी बहुत है, कपड़े तय करके रखने, तो देखते आगे क्या होता है। और गोबर गैस से गैस नहीं आ रही, इस वजह से रोटी मुझे स्टॉप करनी पड़ी, लगभग सिर्फ 5 रोटी बनी और उतने में मुझे रोकना पड़ा क्योंकि गोबर गैस से गैस नहीं आ रही, थोड़ी देर मतलब आधे घंटे अब वेट करना पड़ेगा उसके बाद आएगी, क्योंकि हमारा ये वाला गैस लीक हो रहा है, इसको हमको सही करा के लेके आना है नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम ये बना रहे हैं उसमें। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक कोई और काम करते हैं। और यार मैं तरस रहती हूँ पता है चूक खाने के, लेकिन मेरे को मेरी दोस्त ने 2-3 चूके दाने दिए थे लेकिन 3 के 3 सड़ गए, देखो इनकी हालत कैसी हुई है, खाने लायक नहीं बचे। ये दिवाली की सफाई के चक्कर में ना इनका बुरा हाल हो गया यार। काफ़ी सूखी थी ना इस वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो सूख गई थी, इस वजह से मुझसे ये जो किनारे के बॉर्डर वाले जो ये दिखने रहे हैं आपको ये वाली लड़ियाँ, तो ये उतना अच्छे से नहीं बन पाई, पैटर्न थोड़ा हिलडुल हो गया क्योंकि थोड़ा बेटर तरीके से निकल नहीं पा रहा है वो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया वो, तो बहुत मुश्किल से निकल रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा पुश। लेकिन मेरे हाथ में भी मैंने चूना लगाया था ना तो चूने की वजह से फट गए थे हाथ इस वजह से। तो आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज ना मेरा मेहंदी लगाने का इतना मन कर रहा था, तो अगर आज कोई होता ना मेरे पास तो उसकी तो बाहर आ जाती, तो उसके लिए कोई बात नहीं मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया या ऐसे खाली एक कागज़ वगैरह पेज में लगा के, पर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मन कर रहा था और वो मेहंदी काफ़ी पुरानी थी ना इसलिए निकल नहीं रही थी, तो ऐसा हो गया इसका हाल, पर फिर भी बेटर है।
और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतने थकने के बाद भी मुझे मतलब मेहंदी लगाने का मन करा, पता नहीं क्या ही बात हुई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभरात्रि।